तो वो गणेश क्यों हो गयो या कौन मानो कि बेटी का बापा देश को कितनों बोलो करियो है मोदी ताऊ तो निका देश को बोलो करो जो आपने बोलो काम बता दूंगा सारा काम बता दूंगा नहीं नहीं मैं 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है ना उसमें लिखा है कि इस देश की सारी जो जनसंख्या है ना उसको स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ देना पड़ेगा चाहे गवर्नमेंट किसी की रहो। 25% युवाओं को उनकी ट्रेनिंग के आधार पर आगे रखा जाएगा। 75% जो लोग हैं ना वो घर पे आएंगे। दूसरी बात पंजाब नया हरियाणा यूट्यूब चैनल आपका फिर से एक बार स्वागत करता है जी। फिलहाल मौजूद हाँ ब्रासर बड्डा जो कि यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है अपनी अपने चाचे ताऊ बैठे हैं तो पूछताछ करांगे जो इलेक्शन के वो दिन है वो नज़दीक आ गए हैं और के कुछ है अब की बार कांग्रेस या बीजेपी। हाँ जी आपका नाम राजेश। हाँ सेंटर में बीजेपी या कांग्रेस सरकार देखो बीजेपी है ही दिखती है आपने दिख रही है बात तो क्यों वजह वजह यही है कभी आपन मोदी चाहिए क्यों चाहिए कोई कारण मोदी चाहिए का आपन देश को ब्लॉक करना रहे है ना 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 कुंड का है बात तब वो गणेश क्यों हो गयो या कौन मानो कि बेटी का बापा देश को कितनों ब्लॉक करे है मोदी तब तो निका देश को ब्लॉक करो जो आपने बोलो काम बता दूंगा सारा काम बता दूंगा बोलो सारा ही मोदी का मन नहीं बता दू कौन सा काम करने हर चीज मोदी अरे यार एक किस पूछोगे रोड जो ऑल इंडिया के डेढ़ चक्कर लगाओगे ना डेढ़ चक्कर लगाओगे इतनी तो अगले रोड बनवा के रखे अपने इंडिया का वहाँ ठीक है क्या कौन करो बीमार आप आओ जाओ हाँ कल लाख रुपये दे है मोदी 25 लाख दे गवर्नमेंट देश को संविधान है ना उम्र 12 से लेके 35 तक जो अनुच्छेद है ना उसमें लिखा है कि इस देश की सारी जो जनसंख्या है ना उसको स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ देना पड़ेगा चाहे गवर्नमेंट किसी की रहो ठीक है। और मोदी ने बताऊं क्या किया है हंगर इंडेक्स की 125 देशों की जो सूची है ना उसमें भारत भूखमरी में 121वें नंबर पे है आज भी बिल्कुल करंट की डाटा है। दूसरा भ्रष्टाचार में 200 देशों की भ्रष्टाचार में पाकिस्तान 80वें नंबर पे है और इंडिया 86वें नंबर पे है ठीक है। और वर्ल्ड की बात कर रहे हो ना आप भारत की स्थिति ये है कि बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल इनसे भी नीचे है ठीक है। मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है कि देश क्या बीजेपी के कारण है भाई साहब ये बिल्कुल बीजेपी के कारण है सरकार तो पीछे बहुत रही थी उसका आंकड़ा उठा के देखो आप बढ़ोतरी हुई मैं कह रहा हूँ। दूसरी 2014 में जब मोदी सरकार आई थी ना तो उन्होंने ये कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे ठीक है हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे 0.5% पे पढ़ने लिखने वाले को भाई साहब आज भी रोजगार कहाँ है बताओ जो बालक पढ़े उसको आज पे रोजगार एक सेक्टर बताओ मेरे को सेक्टर मेरी बात सुनो भाई एक सेक्टर ये बता दो जिसमें रोजगार है। एक बात बताओ आपके काम में पढ़े उड़ा कितना बालक है फिलहाल लगभग 60 से 70%। अच्छा उनका मान के 14 रुपये भिन्ना डेढ़ भिन्न कोई कोई पेपर किसी चीज का आया जाता हो पेपर आता है लेकिन पेपर की स्थिति ये है कि भर्ती होने से पहले पेपर लीक हो जाता है ठीक है। प्रशासन है शासन है सरकार का पूरा जो तंत्र है ना ऊपर का वो सारा इसमें मिला हुआ है। अगर गरीब के बच्चे को रोजगार नहीं मिलता और आप नौकरी की रोजगार की बात कर रहे हो ना ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार था आर्मी का उसको अग्निवीर जो योजना है ना उसमें कन्वर्ट करके समस्त अग्निवीर योजना के अंतर्गत सभी युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया मोदी जी ने। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ जो 4 साल का जो अपन कराया है हाँ कराया है इसमें फायदा भी तो है क्या एक फायदा बताओ मेरे को एक बात बताओ एक जो आर्मी में जो आर्मी की प्राइवेसी भंग नहीं होती क्या 4 साल कोई लड़का आर्मी में रहता है उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा किसी कंपनी के आगे गार्ड खड़ा होगा तो आर्मी की प्राइवेसी या सिक्योरिटी देश की वो सुरक्षा भंग नहीं होगी। आप ये बात बताओ मेरे को कि युवाओं का ग्रामीण जो युवा है उनका सबसे बड़ा रोजगार था आर्मी के अंदर उस नौकरी को खा गया आदमी ये तो कई देशों में भाई साहब जो आप बता रहे हो भाई इतनी साल नौकरी हम भारत की बात कर रहे हैं ना हम भारत की बात कर रहे हैं हम भारत में रहते हैं भारत में जिंदा रहते हैं भारत में और आप कह रहे हो ना मोदी जी ने नहीं नहीं ये आप गलत बोल रहे हो ऐसा नहीं है उसमें ये है कि कोई भी लड़का अगर 4 साल के लिए उसमें ज्वाइन कर दिया ना तो उसमें 25% युवाओं को उनकी ट्रेनिंग के आधार पर आगे रखा जाएगा। 75% जो लोग हैं ना वो घर पे आएंगे। दूसरी बात पंजाब का पहला लड़का शहीद हुआ था अग्निवीर योजना में उसको आर्मी के दो सिविल में नहीं हुआ था वो अग्निवीर योजना के अंदर
अग्निवीर योजना के अंदर हुआ था, उसको शहीद का कोई दर्जा नहीं मिला, वो तो घर सुरक्षा नहीं था, ऑन ड्यूटी नहीं था भाई, ऑन ड्यूटी, अरे ऑन ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसको कुछ मिलना तो चाहिए था। ऐसी थोड़ी देश के लिए कोई जान दे दे बॉर्डर पे, या अगर सिविलियन के लिए कोई जान दे रहा तो वो शहीद नहीं है क्या? अगर कोई सिविल यहाँ पे कोई फौजी सुरक्षा कर रहा है, उसकी जान चली गई तो वो शहीद नहीं होता क्या? ये जरूरी थोड़ी कि बॉर्डर पे ही मरे वो। और दूसरी बात, उसने सुसाइड करा था। किसने? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, आप गलत बोल रहे हो। नहीं नहीं गलत बोल रहे हो आप, ये आपको चलाना चाहिए फिर। और मीडिया की स्थिति बताऊँ आपको, अभी जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल, उसको अरेस्ट किया तो कतर है ना, कतर सऊदी अरब कंट्री का एक छोटा सा देश है कतर, उसने क्या कहा पता है आप मीडिया के बंधु हो, उसने ये कहा है भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उसके बाद अमेरिका ने भी ये कहा है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए, और उसमें पूरे दुनिया की नज़र है, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है, जिसकी फिलहाल सिर्फ नेताओं को खरीदने और बेचने का धंधा चल रहा है। जनता का कोई भी एजेंडा एक बता दो, कल ही यहाँ चूरू जिले में मोदी जी आके गए, एक भी घोषणा बता दो जो जनता के लिए की उन्होंने, एक भी नहीं करी। ठीक है भाई, मोदी बिना मन तो दे दिख रहे को नहीं कुछ भी, आपस सीधी बात जा रहा करवा दी। अरे मैंने पसंद से वो आदमी, हाँ सीधी बात है, देश को बटफोल कर दियो भाई, कर दियो ताऊ को कान कर दियो को, तो ताऊ ने लागत हो मन तो लागे को नहीं, हाँ सीधी बात है, आपा ने कौन लागे, हाँ मन तो दिखे मोदी, और मोदी की भी तस्वीर में तुम्हें बॉडी बॉडी लगा रखी है, हाँ सेंटर में मोदी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चूरूम तो देखो शायद ही बकाल है अपने, ये क्या नाम है राहुल जी, हाँ आस्क सेंटर में आप जागो, अरे एक एक सीट से थोड़ी हो जागो, तो एक सीट से कि मेरे को नहीं मरते सदा ही हो राजगढ़ का माए फंडो है, अरे तो बूंद बूंद पड़ रही को नहीं, बूंद सुको पड़ो है सांग कलियर दिख रही है यारो।